अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अब्दुल्ला मेंगल। तो ये मैं क्या बताऊं, मेरा दिल आज एक तो रात के 12 बजे और घर में इस तरह का सालन बनाया है। घर में एक तो मैंने लड़ाई बहुत किया, इतना लड़ाई किया, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, पूछो मत। और सालन इस तरह किया है, मैं बचपन से वो सालन नहीं खाता था आपको, और दो सालन बनाए वो भी मैं दोनों ही नहीं खाता, और घर में फैमिली वालों ने वही बनाया। मेरा दिल चाह रहा है आज मैं पिज्जा खाऊं, पिज्जा पिज्जा खाऊंगा, दिल जलेगा। नहीं आपको मैं नहीं दूंगा, मैं अकेला जाऊंगा, नहीं आपको ले जाऊंगा सीरियस, क्योंकि एक तो सर्दी है, खुशदार में इतना शरीर सर्दी है, मैं तो बाइक नहीं चलाऊंगा ना। जाहिर भाई आप चलाओगे ना, चलाओगी बाइक ना? एक शर्त पे। नहीं 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 शर्त नहीं, नहीं नहीं शर्त नहीं, तो बताओ मेरे लिए चिकन पिज्जा। वाह चिकन पिज्जा खाएगा, निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। चलो ठीक, खुशदार में एक मशहूर जगह है ना, उसको कहते हैं वो क्या कहते हैं, पापा जीनोज़। जी जी। पापा जीनोज़ के नाम से मशहूर है, और चीज़ें ज़बरदस्त उसके, जो पता नहीं कहाँ कहाँ से वो क्या कहते हैं फ्रेश केक्स और पिज्ज़ा और आइसक्रीम, पता नहीं कहाँ बहुत से वो चीज़ें बनाते हैं। यहाँ की खुशदार के बंदे नहीं, बाहर से मंगवाते बंदे। तो चलो आज आप दिखाता हूँ, उसका विजिट भी करवाता हूँ, उनके बंदों से भी मिलवाता हूँ, और जहाँ काम करते हैं उन सब से आपको इंटरव्यू करवाता हूँ, और सब से मिलवाता भी हूँ। और चलो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि पहले मैं वीडियो में बता रहा था आप सबको, जहाँ मुझे दुकान में मौजूद होना था ना, एक्चुअली मैं वो दुकान में मौजूद हूँ। और खुशदार का बेस्ट से बेस्ट यहाँ पिज़्ज़ा और चिकन मैंने उस वीडियो में बताया था मिल रहा है। और सबसे पहले जिस चीज़ का मुझे तलब था खाने का ना, तो वो मैं सबसे पहले ऑर्डर देना चाहता हूँ। और ऑर्डर देने से पहले जो ये शॉप चला रहा है उससे मैं आप सबसे पहले बातचीत करवाता हूँ। चलो गाइस, मुझे जो चीज खाना था ना पिज्जा का मैंने ऑर्डर, और सबसे पहले मैं भाई से आपको बातचीत करवाता हूँ। ये भाई ये शॉप चला रहा है इस टाइम खुशदार में, और जो भी पिज्जा है और पता नहीं कौन, पता नहीं कौन बहुत से वैरायटी चल रहा है। तो सबसे पहले भाई से मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई माशाल्लाह आपका मैंने बहुत तारीफ सुनाई आपका, और आप मुझे बताए सिंगल बर्गर मिल जाएगा, चिकन बर्गर मिलेगा, फ्राइज मिलेंगे, बारबेक्यू के आइटम अवेलेबल है, मलाई बोटी है, चिकन टिक्का बोटी है, बिहारी बोटी है, रेशमी कबाब है, सजी है, हमारे पास मॉडर्न वैराइटीज अवेलेबल है। जो हमारे यहाँ के लोगों को जो जो पसंद आता है उस वैराइटी के मुताबिक हम माल तैयार करते हैं, जिस तरह का यहाँ के जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ के हालात है। बाकी हमने अभी बेकरी स्टार्ट किया है, हम माशाल्लाह करें, अब देखते हैं, हम इससे भी जो भी चीज़ मटीरियल यूज कर रहे हैं वो बेहतरीन मटीरियल है। हम देसी घी मक्खन वगैरह से बिस्किट वगैरह तैयार करते हैं, और यहाँ के पब्लिक को माशाल्लाह बहुत पसंद है। तो गाइस मैं खुशदार के रहने वाला हूँ, और मेरा पैदाइश भी खुशदार में चला है। मैं अभी तक बचपन से बड़ा हो गया हूँ ना, इस तरह का शॉप सीरियस दिल से बता रहा हूँ मैंने अभी तक नहीं देखा है। और जो मटेरियल इधर खाने की वो नीचे भी बनता है, और पता नहीं चिकन रोस्ट और पिज्जा बहुत से इधर बन रहे हैं, मैंने खुशदार में इस तरह का शॉप नहीं देखा, और ना बन रहा है अभी तक। ये फर्स्ट है शॉप, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक चल रहा है, अल्लाह पाक इसका और कामयाब करे। जैसे कि ये ब्रांच है, अभी खुशदार को ब्रांच खोल रहा है खुशदार में, मैं कहता हूँ खुशदार ग्रो करे, तो खुशदार को पहचान है, खुशदार बड़ा सिटी बन जाए, खुशदार इतना छोटा नहीं है। अभी जिस तरह मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ खुशदार अपने नाम से पहचाने। तो सबसे पहले भाई को मैंने ऑर्डर दिया था पिज्जा का, मुझे शौक था, और जाहिर भाई का दिल भी चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको खाने का, जो खाने इधर क्या क्या तैयार हो रहा है, क्या क्या बन रहा है, मीठे बन रहे हैं, केक्स भी इधर मैंने केक का सीरियस बता रहा हूँ। और एक भाई मेरे साथ है, भाई
भाई आपका नाम माशाल्लाह अताउल्लाह अताउल्लाह भाई अताउल्लाह भाई आप ये शॉप करते हो जी सर शॉप में आप क्या क्या काम कर रहे हो या इधर आप विजिट कर रहे हैं आप शॉप का ऑनर हो ऑनर है शॉप माशाल्लाह ऑनर है आप भाई इस शॉप का उनसे मिलवाता हूँ पिज्जा बनाते हैं तो आइए गाइस अस्सलाम वालेकुम ठीक ठाक है तो सबसे पहले जो भाई ये जो पिज्जा बनाता है पापा जी उसका जो पता नहीं क्या कहाँ से आप आइए कैमरा आगे पहले ये सब ये पिज्जा चल रहा है ये भाई माशाल्लाह पिज्जा का उस्ताद है तो सबसे पहले मैं इन भाई से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ अस्सलाम वालेकुम भाई अभी ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह गुजार माशाल्लाह कैसा है सबसे पहले गुजार कैसा है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बंदे कैसे बहुत प्यारे लोग हैं माशाल्लाह चलो अल्हम्दुलिल्लाह भाई माशाल्लाह प्यारे लोग हैं मोहब्बत करने वाले लोग हैं मोहब्बत करने वाले लोग हैं माशाल्लाह चलो माशाल्लाह और आप जी सबसे पहले ये बताइए पिज्जे पिज्जा कैसे बना ब्रेड बनाते हैं पिज्जा के पहले जी हाँ और ये बताइए पिज्जे का प्राइस भी महंगाई बहुत है चिकन बहुत महंगा है चीजें बहुत महंगी है चीज महंगी है चलो माशाल्लाह बहुत तारीफ सुना था नाम भी सुना था पापा जी ने उसका और मैंने देख लिया इधर माशाल्लाह सफाई सुथरा बहुत बहुत कहने भी देख सकते हैं सफाई का खास ख्याल रखे थे वीडियो में और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा फर्स्ट वो कहते पिज्जा मैंने ऑर्डर भी दिया है और इंशाल्लाह शक भी आपको बताऊंगा थैंक यू भाई सबसे सबके लिए आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह खुदा में तमाम इस तरह के और भी बने और खुदा में बहुत सी जगह मैं सब विजिट करवाऊंगा इंशाल्लाह मेरे वीडियो में जुड़े रहें और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के चैनल को दबाना ना भूलें थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़